जय जय जिनी। जिनी। दस लक्षण पर्व का आज दूसरा दिन है। कल उत्तम क्षमा का दिन था, आज है उत्तम मार्दव धर्म का दिन। आज हम उत्तम मार्दव धर्म के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। उत्तम मार्दव धर्म की क्या परिभाषा है? जैसे क्रोध का उल्टा क्षमा, अर्थात क्रोध आए तो क्रोध का प्रतिकार करना क्षमा है। उसी प्रकार मन में कभी घमंड आ जाए तो घमंड न होने देना, घमंड का प्रतिकार करना, घमंड को दबाना, उसे कहते हैं उत्तम मार्दव। आचार्यों ने लिखा है मृदोर भावम मार्दवम, अर्थात कोमलता का अभाव, घमंड का अभाव होना, इसका नाम मार्दव धर्म है। विनयशील बनना, इसका नाम मार्दव धर्म है। मान हमारे जीवन में किन-किन रूपों में देखा जाता है? सबसे पहले अहंकार। हमारे पास पैसा है, हमारे पास ज्ञान है, उसका हमें अहंकार रहता है कि मैं इतना धनी हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, इतना बलवान हूँ। ये घमंड है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है तिरस्कार। कहीं हम जाएं और हमें माला पहनने को न मिले, हम कहीं जाएं और हमें मंच पे बैठने को जगह नहीं मिले, एक तरह से हम अपने को तिरस्कारित अनुभव करें, तब क्या होता है? घमंड पैदा होता है, इन्होंने मेरा तिरस्कार किया, इसे कहते हैं घमंड। कोई दूसरा हमारे सामने उपस्थित हो, उसमें गुण ज़्यादा हो और हम में कम हो, उसके गुण ज़्यादा, उसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं और हमारी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है? हम में घमंड पैदा हो जाता है, मुझ में क्या कमी है, इसका इतना हो, मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो ऐसा नहीं हो पा रहा। दूसरे के गुणों को सहन न कर सकना, इसमें भी घमंड उत्पन्न हो जाता है। ये सब घमंड उत्पन्न होने के कारण है। और एक सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या भाव। कोई याद करता है, उसको बहुत याद हो जाता है, तो हमें ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ईर्ष्या भी घमंड का रूप है। सामने वाले का तिरस्कार भी मान कषाई की ओर होता है। लिखा है बहुत सी पुस्तकों में, सामने वाला मेरी विनय क्यों नहीं करता, मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है, पहले ये विनय करे, मैं तब उत्तर दूंगा। ये सब मान कषाय है जो हमारे जीवन में देखी जाती है। हमें इन सब से बचना चाहिए, ये बहुत घातक, बहुत नुकसानदायक। किसी के पास धन हो, रूप हो, बल हो, तो उसमें घमंड तो होगा ही, ये तो स्वाभाविक है, तो फिर कैसे करें? स्वाभाविक नहीं है, ये अज्ञानता है। अज्ञानता क्यों है? देखो, धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? अगर तुम्हें शास्त्र ज्ञान है, तुम्हें समझदारी किसी में है, तो वो क्या सोचेगा? लाभांतराय के क्षयोपशम से ये पैसा आया है। जिस दिन ये लाभांतराय का क्षयोपशम होने की बजाय उदय शुरू हो जाएगा, सारा पैसा नष्ट हो जाएगा। अभी नाम कर्म का, शुभ नाम कर्म का उदय है, तो क्या है? रूपवानपना है। क्या होगा? चंद दिनों बाद अगर मान लो अशुभ नाम कर्म का उदय आएगा, रूप समाप्त हो जाएगा। अहंकार किस बात का? अहंकार, ये तो सब पुद्गल की पर्याय है। आज है और कल नहीं, क्या ठिकाना है? आज शक्ति है और कल ही कोई बीमारी लग जाए तो क्या होगा? बड़े बड़े बलवान हैं, मान लो उनको हैजा हो गया, प्लेग हो गई, दस्त लग गए, सारी शक्ति कहाँ चली जाती है? सब नष्ट हो जाती है। ये परकृत है, कर्म के उदय क्षयोपशम आदि के कारण होने वाली पर्यायें हैं, इनमें घमंड कैसा? ये तो स्वभाव है, स्वभाव नहीं, ये अज्ञानता है। अगर आगम पढ़ा है, शास्त्र ज्ञान हुआ है, तो कैसी परिस्थिति हो जाए, बल कम हो या ज़्यादा, धन कम हो या ज़्यादा, रूप कम हो या ज़्यादा, ये मेरी आत्मा का नहीं, ये सब कर्म कृत है, ऐसा समझकर ज्ञानी जो है ना, रंच मात्र भी घमंड नहीं करता, किन्हीं भी प्रसंगों में घमंड नहीं करता, चाहे कितना ही धन हो जाए, बल हो जाए, और चाहे कितना ही रूप बन क्यों ना हो। अगर हमें घमंड आ जाए, तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए? चिंतन ऐसा करो, अगर मान लो उच्च कुल में पैदा हुए हो, राजा के परिवार में पैदा हुए हो, तो चिंतन करो, अनादिकाल से मैं कभी नगोद में था, मैं क्या किन किन दशाओं में नहीं हुआ, मैं क्या कभी जानवर नहीं बना, मैं जानवर बना।
कभी पैसे का घमंड आ जाए तो सोचो, मैं कभी भिखारी नहीं बना क्या? मैं कितनी बार भिखारी बना, न मालूम कितनी बार मैंने मजदूरी की, मालूम नहीं क्या क्या अवस्थाएं मेरी हुई। अगर रूप का घमंड आ जाए तो सोचो, क्या मैं कभी कोढ़ी नहीं बना? क्या मैं कभी गंदे से गंदा रूप वाला, खराब नाक अंग वाला या हुंडक संस्थान वाला नहीं बना? बना। जब बना तो फिर आज घमंड क्यों करता हूँ? मुझे घमंड नहीं करना, ये तो सब शरीर की दशाएं कर्म के आश्रित हैं, इसलिए मुझे घमंड नहीं करना, ऐसा विचार बनाना चाहिए। घमंड के कितने भेद हैं? घमंड कितने प्रकार का होता है? आचार्यों ने घमंड को 8 प्रकार का कहा है। रत्करण श्रावकाचार्य में लिखा है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो वपु। अर्थात ज्ञान का घमंड, थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो जाए तो घमंडी हो जाए, आज थोड़ा सा ज्ञान हो जाए सो ही घमंड हो जाता है। पूजा, अगर आपका सम्मान होने लगा तो घमंड होने लगता है, मैं वहाँ जाता हूँ मुझे रिसीव करने बहुत लोग आते हैं, मैं वहाँ गया मेरा इतना सम्मान हुआ, पूजा। कुलम, मैं उच्च कुल का हूँ, इसका भी घमंड होता है। जाति, मेरा मातृपक्ष बहुत ऊंची जाति वाला है, उसका भी घमंड होता है। बल, अपनी शक्ति का भी बड़ा घमंड होता है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। रिद्धिम, अपने वैभव का बड़ा घमंड होता है, मेरा घर मेरा मकान मेरी गाड़ी मेरी ज्वेलरी, मैं कितना रिद्धि वाला हूँ, देखो लोग मेरी वो टकटकी लगा कर देखते रहते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ सारी दुनिया मुझे ही मुझे देखती है, इसका भी घमंड हो जाता है। तपो, तप का घमंड, जो मुनि महाराज होते हैं उनके भी घमंड हो जाता है, किसी को घमंड हो जाता है, मैं चलता हूँ मेरे पैर छप जाते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ सामने वाले का सारा काम बन जाता है, ऐसा घमंड हो जाना ये भी तप का घमंड है। और शरीर का घमंड, अर्थात अपने रूप का घमंड, मेरा चेहरा मोहरा ऐसा है जो देखता है वो भी मेरे बस में हो जाता है, मैं जितने पे पूरा संघ है या पूरी समाज है मेरा चेहरा अलग से चमकता है। इस प्रकार आचार्यों ने 8 प्रकार का घमंड बताया है। हम लोगों के जीवन में 8 में से 2, 4, 5 प्रकार का जो जो अधिकता हमारे में पाई जाती है वो घमंड हमारे हृदय में भरा हुआ रहता है और झट उभर जाता है, जरा सा तिरस्कार हो झट ऊपर आ जाता है। हमको क्या करना, इन 8 प्रकार के घमंड को, इन घमंड के प्रसंग आने पर भी कितनी हमारी अधिकता या सामर्थ्यवान बना हो, हम शांत रहें, समता परिणाम रखें, न कमी में रोएं न अधिक होने में उछलें, हमेशा एक से परिणाम रखें। अगर ऐसा रखते हैं तो इसका नाम है उत्तम मार्दव धर्म। मान करने से क्या हानि है? मान करने से हानि ही हानि है। हम आगम की दृष्टि से अगर सोचें, आचार्यों ने लिखा है, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को ढकना, अपने गैर मौजूद गुणों की ऊंचा उछालना, प्रशंसा करना, अगर हम ऐसा करते हैं ये सब घमंड के कारण होता है, इससे नीच गोत्र का बंध होता है। अगले जन्म में त्रिंच बनना पड़ेगा या नीच कुल में जन्म लेना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर हम ये परिणाम न करें तो तद विपर्ययो नीचैर वृत्युनत से कहु चोत्तरस्य। इनसे विपरीत अपनी हम निंदा करें, कोई हमसे कहे आप कितने ज्ञानी हैं, क्या ज्ञानी हूँ भैया, चारित्र तो धारण कर ही नहीं पा रहा, ये सोचें। अपनी निंदा करना, दूसरे की प्रशंसा करना, अपने गुणों को ढकना, दूसरे के गैर मौजूद गुणों को उठाना, अन्य की विनय करना, अपनी हमेशा नीची नज़र रखना, अपने को छोटा मानना, घमंड का अभाव रखना, अगर ऐसी वृत्ति होती है ना तो उच्च गोत्र का आश्रम होता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगली पर्याय उच्च गोत्र में मिलेगी। सारे लोक में प्रशंसा होती है, घमंड करने वालों का क्या हुआ, शास्त्रों में देखें अपन। रावण से मंदोदरी ने कहा था,
इस सीता को वापिस कर दो। मंदोदरी का कहना ये था, सीता से ज्यादा सुंदर सुंदर रानियां तुम्हारे पास हैं, तुम और सुंदर से सुंदर ले आओ, पर दूसरे की पत्नी को तो वापिस कर दो। आपको मालूम है रावण ने सीता को वापिस क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए वापिस नहीं किया, अगर मैं इसको वापिस कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, सारा मेरा मान सम्मान सारा ख़त्म हो जाएगा कि मैंने एक भूमगोचरी के आगे घुटने टेक दिए, ये हो जाएगा। इसलिए ये तो बहुत गड़बड़। और अंत में क्या नतीजा निकला, रावण का युद्ध में मरण हो गया, मरण नहीं, सारा कुल खानदान सब कुछ समाप्त हो गया। मान से तो हानि ही हानि है, जिसने जहाँ भी मान किया उसका हमेशा बुरा हुआ। शास्त्रों में एक कथा आती है द्रौपदी की, हम पढ़ते हैं भगवान शांतिनाथ की पूजा, हरि द्रौपदी धात की खंड माही। इसका मतलब क्या होता है, द्रौपदी को रूप का घमंड था। एक बार नारद जी पूरे रनवास में घूम रहे थे, तो बाहर से नारद जी ने अंदर झांका तो सामने द्रौपदी अपने रूप को शीशे में देख रही थी। पीछे से जूट जटा वाले नारद जी दिखाई पड़े, तो द्रौपदी ने नाक भौं सिकोड़ ली कि ये कौन गंदा सा आदमी यहाँ आ गया, उसे घमंड था अपना। नतीजा क्या हुआ, नारद जी को वो चीज़ पिंच हो गई। नारद जी ने उसका एक चित्र बनाया और धात की खंड द्वीप में जाके एक राजा पद्मनाब को दिखाया। उस राजा को द्रौपदी पसंद आ गई, और फिर मालूम है क्या हुआ, उसने अपनी विद्या को भेज के सोती हुई द्रौपदी को यहाँ से उठा के धाती खंड द्वीप में बुला लिया। और कितना कष्ट द्रौपदी को भुगतना पड़ा। ये क्यों भुगतना पड़ा, केवल जरा से घमंड की वजह से। अगर उसे घमंड नहीं होता, नाक वो नहीं सिकोड़ती, तो ये सारी आपत्ति नहीं आती। कृष्ण और अर्जुन को धात की खंड जाना पड़ा, वहाँ जाके युद्ध का प्रसंग भी आया, फिर उसको आप द्रौपदी को लेके फिर यहाँ आए, कितना बड़ा संकट हुआ। इसलिए मान से तो हानि ही हानि। मार्तव धर्म को आत्मा में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए हम दूसरे के गुणों पर दृष्टि डालें। हर एक में अच्छाई बुराई सब होती है, हम उनके गुणों पर दृष्टि डालें, हम उनकी प्रशंसा करना सीखें, निंदा किसी की नहीं। हर एक में जो अच्छाई है, जब भी किसी का प्रसंग आए हम उसकी प्रशंसा करें, हम सबके गुणों पर दृष्टि डालें, प्रशंसा करें और सबसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न करें। अपनी ओर दृष्टि डालें तो अपने दोषों को देखें, मुझ में क्या दोष है। अपने दोषों के बारे में हम निरंतर देखेंगे ना, तो कभी घमंड का प्रसंग आएगा ही नहीं। अक्सर हमें घमंड किसका होता है, मैं इसका करने वाला, मैंने इसका इतना काम किया, ये मुझे पूछता भी नहीं, मैं इसका स्वामी हूँ, इस बात का घमंड होता है। कर्तृत्व और स्वामित्व, ये भाव दोनों भाव गलत हैं। मैं किसी का अच्छा करने वाला नहीं, बुरा करने वाला नहीं, कुछ नहीं हूँ। उस जीव के पुण्य पाप की वजह से उसके सारे कार्य होते हैं। अपने आत्मा के गुणों पर दृष्टि डालें, अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर हमें कभी घमंड का प्रसंग नहीं आएगा। और इससे और एक बड़ी बात, ज्ञाता दृष्टा बनो ना, मैं तो जानने देखने वाला जीव मात्र हूँ, किसका घमंड करूँ, ना मैं सुखी हूँ ना मैं दुखी हूँ, ना राजा हूँ ना गरीब हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र जीव द्रव्य हूँ। वास्तव में उत्तम माधव धर्म का क्या स्वरूप है? मान महाविस्वरूप कर ही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मान जो है महान जहर है, मान महाविस्वरूप कर ही नीच गति जगत में, जो ये करेगा उसकी नीच गति होगी। कोमल सुधा अनूप, और कोमल बनना, विनयवान बनना अनुपम अमृत है। सुख पावे प्राणी सदा, और इस कोमलता या मान के अभाव से जीव हमेशा सुख प्राप्त करता है। उत्तम मार्दव धर्म का वास्तविक स्वरूप ये भी है कि अपनी आत्मा को हम पहचाने। मेरी आत्मा न छोटी है ना बड़ी है, न सुंदर है ना असुंदर है,
न बलशाली है न बलहीन है, मेरी आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा मात्र है। सांसारिक परिस्थितियाँ जो भी घमंड में कारण होती हैं ना, ये सब क्षण भंगुर हैं। मैं इधर से दृष्टि हटाऊं और अपनी आत्मा में आऊं। जब कोई महामुनि महाराज ऐसा चिंतन करके और अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, वास्तव में उत्तम मार्ग धर्म तो उनके होता है, और वो इस धर्म के द्वारा महान निर्जरा करते हैं, सातिशय पुण्य का संचय करते हैं। हम लोग कितना कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। ध्यान रखें, हमें जो जो प्रसंग मिले हैं, धन का, बल का, ज्ञान का, रिद्धि का, वैभव का, हमें कुछ भी मिला हो, हम इन सबको शास्त्र की दृष्टि से देख के रंच मात्र भी घमंड नहीं करें। हमने बड़े बड़ों को देखा, कल क्या थे और आज क्या हो गए। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, अगले चुनाव में जमीन पे आ गई, अगले चुनाव में फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई। कहाँ क्या होता है कुछ खबर नहीं पड़ता, इसलिए रंच मात्र भी घमंड नहीं करना चाहिए। अभी चुनाव हुए, इन चुनावों में भी हमने देख लिया, करुणानिधि कहाँ मुख्यमंत्री गए, जयललिता आ गई। पहले जयललिता मुख्यमंत्री थी, फिर नीचे उतर गई। ये सब कर्म का खेल है। कभी बेहो मिल जाए तो घमंड नहीं, कभी न मिले तो दुखी भी नहीं। हम क्या करें, सब में समता परिणाम, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें। इन सब बहिरंग परिस्थितियों से मेरे आत्मा में कुछ भी अंतर थोड़ी पड़ता है, इसलिए मुझे क्या करना, हमेशा अपने परिणामों में समता रखनी है। अगर हम ऐसा रखने वाले बनेंगे, समझेंगे, उत्तम मार्दव धर्म हमारी आत्मा में आया। हमें उम्मीद है कि आज जो भी चर्चाएं हुई हैं आपको कुछ ठीक लगी होंगी, आपने उसके कुछ अंश अपने में उतारने के लिए आपने तैयारी की होगी। यदि आप उतारेंगे तो उसका जो आनंद होगा आपको मालूम पड़ेगा, आपको प्राप्त होगा, सुख में होगा। हमें आशा है इस सब को सुन के उत्तम मार्दव धर्म स्वीकार करेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र। मुझे उम्मीद है इस बार हमारे सभी दर्शक कुछ न कुछ नयापन अपने में जरूर लाएंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो आज का ये पर्व हमारा सफल होगा। आइए, जय जिनेन्द्र।